कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मंत्र से है वो किलियम जाप है। पार्वती को भगवान शिव ने यही नाम दिए थे जो पांच नाम मैं अभी आपको बताता हूं, और इनसे नाम से मुक्ति होगी। बाकी अन्य भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर कितनी पूजा कर लो, वो कतई प्रसन्न नहीं होगा। भगवान गणेश जी की जो कमल है, वो कमल में वो खजाना गड़ा हुआ है, और ये किलियम उसकी चाबी है। वो किलियम इस चाबी से वो चैनल ऑन हो जाएगा, और फिर भगवान गणेश के लोक में रिद्धि और सिद्धियों के भंडार भरे हुए हैं। फिर वो सुरति उनको देखेगी, वो चार्ज हो जाएगी आत्मा, और फिर भगवान गणेश के गुण उसमें आ जाएंगे, वो अपना लाभ उठाया करेगी। भगवान गणेश उन पर प्रसन्न होंगे, तब उनके काम सरेंगे। या भगवान गणेश की कितनी बढ़िया मूर्ति बना लो और कितनी उसकी पूजा कर ले, परमात्मा वो गणेश खुश नहीं होंगे, वो प्रसन्न होंगे जब उनसे आपका संपर्क हो जाएगा, आप उस खजाने की चाबी मिल जाएगी, तब आपको लाभ होगा। क्योंकि कोई भी भगवान है, किसी भी इष्ट की आप साधना करते हो, नाम से होगी, अन्य साधनाओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते। नहीं तो नाम दान की कोई भी महिमा नहीं होती, ना कोई जानता कि नाम भी कोई दान होता है। तो उसमें पार्वती को कहते हैं कि देखो, अब जैसे प्रणाम किया, दोनों श्वास चल पड़े, आत्मा अंदर पहुंची, सुषुम्ना के माध्यम से एक नाड़ी जाती है, वो पहले मूल कमल में खुली जाके। अब कहते हैं देखो, यहां पर इसमें गौरी आदि गणेश मनावो, किलियम किलियम जान लगावो, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। चार तो पंखड़ी है, लाल रंग है, और गणेश जी वहां पर देव रूप में विद्यमान है। आप देखो उसमें, जब भगवान गणेश के ओरिजिनल दर्शन करो, मूर्ति के दर्शन में कुछ नहीं होना। आगे बताते हैं, इसके बाद पार्वती को कह रहे हैं कि दिखा तूने, यहां पर भगवान गणेश दिखाई दे रहे हैं। अखान जी, क्योंकि वो मंत्र जो किलियम जाप दिया, उसने उसको उस चैनल को ऑन कर दिया, और पार्वती कह रही हां जी, अंदर जा रही है अपने शरीर में और कह रही है हां जी। आगे कहते हैं, दूजे स्वाद चक्र कौन देखो, सेतवर रंग सुरत विवेको, उसके दो उंगल ऊपर एक स्वाद चक्र है, उसकी छह पंखड़ियां हैं, कमल के फूल जैसी उसकी आकृति है, उसमें कौन है, सावित्री और ब्रह्मा का वास है, उसका ओम मंत्र है। दूजे स्वाद चक्र कौन देखो, सेतवर्ण रंग सुरत विवेको, उसका सफेद रंग है, सठ पंखड़ी पीत परेवा, जहां बसत कम द्रप देवा, तावा हरा हर धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। अब तुम सुनो स्वाद चक्र सुरतालम, जाम ओम मंत्र कमालम। उस स्वाद चक्र का ओम मंत्र है, और इस ओम मंत्र से वह स्वाद चक्र खुल जाता है। भगवान पार्वती और ना भगवान ब्रह्मा और सावित्री के आपको दर्शन होंगे, और उस स्थान को आप देख करके फिर आगे चलिए, जहां पर ब्रह्मा और सावित्री बैठे हैं, जावा सठ पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावित्री जा साजे, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णु नास त्रिपुरारी, जावा अष्ट पंखड़ी राजे, जावा लक्ष्मी शक्ति बिराजे, तावा हरियम हरियम गाजे। उस स्वाद चक्र के ऊपर नाभि कमल आता है, नाभि कमल ये सुंडी जो होती है, इसके बिल्कुल पीछे नाभि और रीढ़ की हड्डी के अंदर, वहां पर कहते हैं, बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी का वो कमल है, उसकी आठ पंखड़ियां हैं, और उसका के मंत्र है, हरियम उसकी चाबी है,
ये मंत्र जाप करो, ये कमल ऑन हो जाएगा, यानी ये चैनल ऑन हो जाएगा और आपने दिखाई देगा वहां पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी। और फिर देखना, ये हर मनुष्य में यही है, हर स्त्री में यही है। मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए, बहन और भाइयों के लिए भगवान ने खुली छुट्टी दे रखी, इसमें कोई स्त्री पुरुष में कोई भिन्नता नहीं है। जो चैनल हमारे लगे हुए हैं ये सब समान है, इसमें जाति और मजहब से कोई संपर्क नहीं। तो इनको जो हम देख ले, ना तो मजहब दो बने, ना भक्ति न्यारी रहे। कोई कोई साधना बताता है, कोई कोई साधना बताता है, ये हमारी मनमुखी साधना है। जिन्होंने इस शरीर को ढूंढा नहीं और इस शास्त्रों को खोजा नहीं, जब ये शास्त्र और हमारे अंदर के कमल एक मिल जाएंगे, फिर हमारी भक्ति श्रेष्ठ है और हम अपना सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, विष्णु जी का कमल है जिसकी 8 पंखड़ियां हैं और उसका हरियम मंत्र है। उस हरियम मंत्र से वो कमल खिल जाएगा। ये कमल क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, ब्लेडर होता है, ब्लेडर जो बच्चे गेंद खेलते हैं, वो हवा रहित जब होता है, वायु नहीं होती तो चिपक जाता है, ऐसे वो पंखड़ियां चिपकी हुई है। ये जिनकी भक्ति नहीं बनी हुई, ये पंखड़ियां हर कमल की ऐसे बुसी पड़ी है, ऐसे चिपकी हुई है। इस नाम के जापते उनमें हवा भरी जाती है, अधिक नाम जाप करना पड़ेगा तो वो धीरे 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 ऐसे खिल जाएंगे और बिल्कुल ऐसे कमल बन जाएगा। जब वो खिल जाएंगे तो उनके बीच में एक बहुत टिकारी सी होती है, एक सुई की नोक टिक ऐसी एक रोशनी सी निकलेगी। फिर ये आत्मा रोशनी को जल्दी कैच करती है, उस रोशनी के ऊपर इतनी ध्यान देती है कि एकदम दूरबीन सी बन जाती है और उस कमल के अंदर हो रही सब प्रक्रिया उस हंस को सामने दिखाई देती है। उस लोक में भगवान विष्णु दिखेंगे और साथ में लक्ष्मी मां दिखेगी और फिर आपको उस नाम की कमाई से वो कमल खिल जाएगा और आपके भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसे तुम स्थान उस लोक में स्थाई स्थान पाओगे। उसके बाद क्या बताते हैं कि यहां हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के जो निशान है इनके पैरेलल आ जाइए यहां और बिल्कुल बैकबोन के पीछे, वहां पर हृदय कमल है। ये दिल नहीं, एक कमल है नारा, हृदय माने बीच में मध्य, उसमें 12 पंखड़ी का एक अंतड़ियों की बनी हुई कमल के फूल की आकृति है, उसकी 12 पंखड़ियां यानी पतियां हैं और उसमें सोहम मंत्र है उसका। उस सोहम नाम से वो खिल जाता है और खुल जाता है, चैनल ऑन हो जाता है। भगवान शिव के लोक की पार्वती और शिव आपने दिखाई देंगे और फिर आपकी भक्ति उस लोक की प्रफुल्लित हो जाएगी। ऊपर अब सुनो, हृदय कमल कमालम जामा द्वादश तल का ख्यालम। अब तुम हृदय कमल कमालम, उस हृदय कमल को के कमाल दिखाता हूं, उसके अंदर हो रहे खेल दिखाता हूं। उसमें द्वादश दल का ख्यालम, द्वादश माने 12 कमलों का एक फूल है। जावा शिव शक्ति बीराजे सोहम नाद अनंत धुन गाजे। उसमें भगवान शिव और पार्वती, शक्ति माने माई, उसमें भगवान शिव और पार्वती यानी शक्ति रहते हैं, उनका सोहम जाप है। इस जाप से वो कमल खिल जाएगा और आपको भगवान शिव के लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर सोटस कमल समूला जावा नाम श्री अंगसर रंग तुला। अब देखो ये कंठ कमल है, ये कंठ है हमारा, इसके पीछे इसके सामने और जहां पर ये रीढ़ की हड्डी बैंड होती है थोड़ी सी ऐसे ऊपर आके, वहां पर एक ऐसा चौड़ा सा स्थान है, उसमें 16 पंखड़ी का कमल है। उसमें ये सेना वाली माया, आदि माया, अष्टंगी, आदि भवानी, ये इसका कमल है।
इसका सिरियम जाप है, सिरियम, और सिरियम जाप से ये कमल, ये चैनल खुल जाता है, और उस माई का जो भी वहां पर आपको दिखाई देगा वो स्वयं देखने से ही बनेगा। दो दल कमल परेखा ध्यानो, दो दल कमल परेखो ध्याना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना, बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी। अब क्या बताते हैं, इसके ऊपर चलो आगे त्रिकुटी आएगी, उसमें दो दो पंखड़ियों का कमल है, एक पंखड़ी सफेद है एक काली है। यहां से ऊपर एक और नाम चलता है, उसको सत्य नाम कहते हैं, वो फिर आपको त्रिकुटी से ऊपर आगे लेके जाएगा। उसके बाद क्या है, यहां पर एक 1000 पंखड़ी का कमल है, ये जो शिखा है ना, शिखा चोटी जिसे कहते हैं, इसके नीचे 1000 पंखड़ियों का एक कमल बना हुआ है, उसमें निरंजन भगवान रहते हैं, ज्योति निरंजन, जिसको निरंकार ईश्वर कहते हैं, जिसको प्रकाश में परमात्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। और उनका जो उनको प्राप्ति क्या है, उसकी विधि न्यारी है। इन यहां तक तो ये कमल इन मंत्रों से खुल जाएंगे, उसके बाद एक श्वास का सिमरण होता है। उस श्वास के सिमरण से हम उस निरंजन के लोक में पहुंचेंगे। ये यहां के पंतांजलि योग दर्शन, वशिष्ठ योग, इसमें केवल सहस्रार कमल तक के मार्ग तक का ही मार्गदर्शन है। अब हमारा यहां से मार्ग और ऊपर को शुरू होता है, क्योंकि ये ब्रह्म तक की प्राप्ति का साधन है। हमने ब्रह्म को छोड़ पारब्रह्म, और पारब्रह्म को छोड़ हमने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है। आपने तीन नाम सुने होंगे, ब्रह्म सुना होगा आपने, परब्रह्म भी सुना होगा आपने, पूर्ण ब्रह्म भी सुना होगा। अब यहां से हमारा जो कबीर भगवान का, कबीर साहब का जो मत है, अब यहां से आगे शुरू होता है। पार्वती ने सहस्रार कमल तक की उपलब्धि की, इन पांच नामों का जाप किया, उनको चौथी मुक्ति प्राप्त हुई। जब तक भगवान शिव रहेंगे पार्वती उनके साथ रहेगी, अब मरेगी नहीं। लेकिन एक समय आएगा कि भगवान शिव भी मरेंगे और पार्वती भी मरेगी। वो कब आएगा, जब कल्प का अंत होगा। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन जब ये कल्प अंत होगा, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, और ना इनके ये लोक रहे, ना स्वर्ग रहे, केवल उस टाइम एक ब्रह्म लोक रहेगा। ब्रह्म लोक क्या है, ये आपको थोड़ी कथा सुनाता हूं, क्योंकि हमारी जो कबीर साहब की जो प्रक्रिया, कबीर साहब के बारे में जानकारी हम क्या बताना आपको चाहते हैं, वो इस कथा के बाद शुरू होगी। जब तक हमारे आपने ये कथा याद नहीं होगी जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, तब तक आप ABCB कबीर साहब के बारे में नहीं जान सकते। इस कथा को मैं रोजाना सुनाऊंगा 5-6 दिन, क्योंकि ये इस कथा के बिना हमारे सारे शास्त्र अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आपने विष्णु पुराण पढ़ा हो, उसमें लिखा है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, और विष्णु जी से ही ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। अगर नहीं पढ़ा हो तो ये मेरे पास रखा है, इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर शिव पुराण में क्या लिखा है कि भगवान शिव से, ये शिव महापुराण है, भगवान शिव से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। आप देखना मैं क्या कहना चाहूं,
आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, क्योंकि जो पुण्यात्मा है वो परमात्मा की तलाश में है और ढूंढते भी रहना चाहिए, घूमते भी रहना चाहिए, ज्ञान सब संतों के सुनने चाहिए। लेकिन जब आपका समय आएगा अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े थे। ये देवी भागवत महापुराण ये पढ़िए, इसमें क्या लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। शेरा वाली ये जो माता आप देख रहे हो शेर पे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। तीसरे सकंद में पढ़ी हो इसको। और इनके पिता कौन है? ज्योत निरंजन सनातन भगवान, और यह इनकी मां से तीनवा की ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है। और इनके पिता कौन है? ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म सनातन भगवान। गीता जी के पांचवें अध्याय के, गीता जी के चौदहवें अध्याय का 3-4-5 श्लोक पढ़िए, उसमें यही निरंजन भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके 1000 भुजा का भगवान है वो काल निरंजन, उसको काल निरंजन भी कहते हैं। तो वो कहता है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है, प्रकृति कौन? ये शेरा वाली, और ये सब संसार इसी से उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रकृति से उत्पन्न हुए, इस सेना वाली से उत्पन्न हुई। 14वें अध्याय का 3, 4, 5 श्लोक आप पढ़ सकते हैं। अब मैं के बताना चाहूं, इन सारे शास्त्रों को सुचारू करेंगे कबीर साहब के ज्ञान से। आपने ब्रह्म सुना, पर ब्रह्म सुना और पूर्ण ब्रह्म सुना, लेकिन इसका भेद नहीं पाया। हम किसी विद्वान पुरुष से पूछते थे कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है, वो कहते थे वही ब्रह्म है वही परब्रह्म है। ऐसा नहीं है। दादा और परदादा, एक तो फादर, एक ग्रैंड फादर, और एक ग्रैंड फादर का भी फादर उसको परदादा कहते हैं। एक तो दादा ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर का भी पिताजी उसको परदादा कहते हैं। परदादा यानी दादा से भी बड़ा। ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये तीन परमात्मा है, ये तीन भगवान है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में इसकी प्रभुता है। इस ब्रह्म के तीन बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को तीन लोक का राज्य दे रखा है। तीन लोक के अंदर इनकी प्रभुता है। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, और शिव जी संहार कर देता है। ये काहे को ऐसा क्यों करते हैं ये नहीं मालूम, हम बताएंगे। एक समय की बात है, एक धर्मदास नाम के सेठ थे। वो भी जैसे हम अपनी साधनाओं पर आरूढ़ हैं, वो भी ऐसे आरूढ़ थे। राम और कृष्ण के तगड़े उपासक थे, उपवास रखते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, तीर्थों पर घूम कर अपनी मुक्ति चाहते थे। सौभाग्यवश एक दिन कबीर भगवान उन्हें मिल जाते हैं। सतगुरु कबीर भगवान आकर उस नादान आत्मा को कहते हैं कि जो तू साधना कर रहा है तो असंख्य बार कर चुका भाई, कभी स्वर्ग चलाएगा, कभी नरक चलाएगा, कभी 84 में धक्के खाए कि तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिट पाया। उसने पूछा भगवान फिर कहानी किस हिसाब से वो समझाइए। कबीर साहब बताते हैं कि हम सभी आत्मा पहले सतलोक रहते थे। सतलोक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान है। सतलोक सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म का स्थान है। हम सभी आत्माएं वहां रहती थी, ये कुछ भी नहीं था। अभी आपने आरती में सुना है कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन काले खा ल्याऊं। भगवान कबीर साहब गरीबदास जी से, कबीर साहब से पूछा
कि भगवान फिर हमें पूर्ण विवरण दीजिए, तो उसमें क्या बताते हैं कि अदली आरती अदल पठाऊं और युगन युगन काले खा लाऊं। जादिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पौन जमी असमाना। कच्छ मच्छ कूरम ना काया और चंद सुरद ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध चौरासी ना तेतीसों, नौ अवतार नहीं चौबीसों। ये पांच तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही घटसीना। चित्र गुप्त ना कर्तरंबाजी, धर्म राय ना पंडित काजी। जब कुछ भी नहीं था यहां पर, ना ये ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना ही ये लोक थे, ना ये पांच तत्व से जिससे सारी सृष्टि बनाई गई। तो उसमें क्या था, जा दिन धूं धूं कार अनंत युग बीते, अनंत युग धूं धूं कार में चले गए। जा दिन कागज कहो किन जीते। तो भगवान से पूछा कबीर साहब से, तो आप कहां थे उस समय। जा दिन थे हम तगत खवासा, जब यहां पर कुछ भी नहीं था और धूं धूं कार था, अंधेरा था, तो आप कहां थे। जा दिन थे हम तगत खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। संख युगन पर लो परवाना, हम सत पुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा और सतलोक मारा अमरापुर डेरा। हम सतलोक में रहते थे, हम सभी आत्मा जितने भी यहां पर 21 ब्रह्मांड में कष्ट पा रही हैं, कोई गधा बना हुआ है, कोई कुत्ते और कुतिया बनी हुई है, कोई गंदी नाली के कीड़े बने हुए हैं, यहां मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, ये उन्हीं 84 लाख जूनियों के प्राणियों में से हम बाहर आए हैं और हमें एक सुअवसर मिला है कि हम अपना कुछ आत्म कल्याण कर सकते हैं। जब हम वहां थे, सतलोक में थे सभी के सभी, यहां पर ये लोक नहीं था और ना ही ये अन्य कंस्ट्रक्शन थी, ये चांद और सितारे भी नहीं थे, ये ग्रह भी नहीं थे, तो यहां कैसे आ गए हम। ये बात सुनने की है, ध्यान से सुनना। प्रथम बार जो प्राणी सुनेगा उसको महसूस होगा कि ये बनावटी सी बात से है, ये तो बात दस्ती को नहीं। और अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये लगातार सुनते रहना हमारे सत्संग को, अंत में आप ये कहोगे ये 100 की 100 सत्य है, क्योंकि इन शास्त्रों से भी आपको मिला कर देंगे। हमने एक पुस्तक छापी बनाई है, पहले हमने छापी थी यथार्थ भक्ति संदेश प्रथम भाग, अब छापा है यथार्थ भक्ति संदेश दूसरा भाग। अब दूसरे भाग को भी आप पढ़ कर देखिएगा। हम पहले सभी सतलोक में रहते थे, वहां पर अपना जन्म मरण नहीं था। अब देखो यहां पर हम चाहे कितने दुखी हो जाए और कितना हमें कष्ट आ जाए, हम फिर भी मृत्यु नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता मरना, हाथ कट जावे और टांग भी साथ कट जावे, अंधा भी हो जावे, फिर भी जीवन की आकांक्षा बनी रहती है। ऐसा क्यों है। और ये ज्ञान होते हुए कि हम रहेंगे नहीं यहां पर, सभी ने जाना है, उसके अलावा उसके उपरांत भी हम मरना नहीं चाह रहे, ये क्या कारण है। इसका कारण है कि हम सतलोक से आए थे, सतलोक में हम मरते नहीं थे, वहां पर मृत्यु नहीं है प्राणी की, यहां पर मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत मंडल कहते हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी लोक को। अब मुझे हमें वो बातें याद से कि हम मरते नहीं थे, अब मर क्यों रहे हैं, हमें ये अनहोनी सी लगती है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते हैं। और अपनी अंतिम सांस तक चाहे पैसे से अर्चे जदाद बेचकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं अगर हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि हम वो हमारे कसक बकाया है कि हम मरते नहीं थे और कहां मर रहे, कहां फंस गए, अब मर क्यों रहे। हम सतलोक में रहते थे, वहां पर सतलोक क्या है, एक ऐसा तेजोमय शरीर हमें मिलता है, वहां पर अपना परिवार बनेगा, हम परिवार में रहते थे वहां पर, यहां पर भी परिवार बन गया, पहले हम अकेले थे, फिर शादी हुई दो बन गए,
फिर बच्चे भी हम अनेक हो गए। अब इन बच्चों में और पोते और पोतियों में, देवते देवतियों में हमारा कितना प्यार और कितना उनमें लगाव बन गया। और ना मेरा एक मिनट के बाद यहाँ के बिजली पड़ जाए। आपने सुना होगा इसमें गुजरात के अंदर हम विचार नहीं करते हैं, हम इतनी गहराई तक जा नहीं पाते जितना हमने जाना चाहिए था। अब जाओगे जब ये कथा सुन लोगे, एक सेकंड पहले वो भाई बहन अपने की तरह अपने बच्चों में आनंद मंगल से रहते थे, आनंद मंगल से रह रहे थे, ना जाने कहां कहां की उम्मीदें लगा रखी थी। और एक पल के बाद ना वो कोठी रही, ना वो कार रही, ना वो बच्चे रहे, ना वो बहन भाई रहे, और ना ये श्री रहा। ये क्या सिस्टम है, ये क्या कहानी है, इसको क्यों नहीं कभी हमने सोचा? क्योंकि हमने ज्ञान नहीं था। हमने ये सोच लिया कि प्रकृति के नियम है, कभी तूफान में मर गए, कभी समुद्री तूफान साइक्लोन आ गया उसमें मर गए, ये तो मरना जीना बना हुआ। क्यों बना हुआ है ये ऐसा, ये क्या काहे का जीवन हमारा, जब एक सेकंड का भरोसा नहीं हमारे साथ क्या बन जाए और क्या कहानी बीत जा। इसके लिए कबीर भगवान का ज्ञान हमें सुनना पड़ेगा। क्या होता है कि हम पहले सभी सतलोक रहती थी, सभी जीवात्मा सतलोक में रहती थी, आनंद से रहते थे, हमारे बच्चे थे। या तो टेम्परेरी परिवार से हमारा, ये नकली परिवार है, हम सदा इसमें नहीं रह सकते, वहां हमारा सथाई परिवार है। जैसे यहां संस्कारवश परिवार बन गया, ऐसे संस्कारवश अपना सतलोक में परिवार बन जाएगा, जो कबीर साहब की भक्ति हम जो मंत्र देते हैं उसके आधार पर करते हुए वहां पहुंच जाओगे अपने आप ऑटोमेटिक, और वहां जाकर आपका फिर मरण कभी नहीं होगा। और वहां पर तेज पुंज के सब भोजन होते हैं, अमृत आहार है वहां पर। जैसे यहां पर पांच तत्व से फल बने, इससे आम भी पांच तत्व से बने और केले भी पांच तत्व से बने, इनका न्यारी न्यारी वैरायटी बन गई, स्वाद न्यारे न्यारे बन गए। ऐसे ही वहां पर तेज पुंज के बहुत सुंदर आहार है, वहां जो आनंद है यहां तो पासंग भी को ना, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो यहां कैसे आए, सतलोक में सतपुरुष परमात्मा है, उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। सतपुरुष ने सतलोक की सृष्टि बनाई, वहां की न्यारे न्यारे लोक और द्वीप बना दिए, वहां पर बहुत सुंदर न्यारे न्यारे द्वीप बने। ये नकल है सारी, 21 ब्रह्मांड जो है सतलोक में बनी हुई वस्तुओं की नकल है, पर ये पांच तत्व से बनाई गई। एक तो सोने से बने और एक बने मिट्टी से, इतना अंतर समझ लीजिए। ये पांच तत्व मिट्टी है और सतलोक सोना है। सभी हम सतलोक में रहते थे, वहां पर इस पार ब्रह्म को, पार अचिंत नाम के एक पुत्र को जो सतपुरुष का पुत्र है, उसको कहा गया कि आप यहां के ये कंस्ट्रक्शन करो सतलोक की। उस अचिंत ने अपनी समझ शक्ति से इस पार ब्रह्म की उत्पत्ति की, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। उसने अपना सहयोगी बना दिया कि अब तू इसकी कंस्ट्रक्शन कर यहां की सतलोक की। पारब्रह्म जो है वहां पर अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर में जाकर और आनंद से लेट जाता है, निंद्रा आ जाती है। और काफी वर्षों तक सृष्टि वहां लोक नहीं रचे जा रहे हैं सतलोक के, तो पता चला सतपुरुष ने कहा कि वो चिंत खड़ा हो, आवाज नहीं सुनी, उसमें एक अमृत तत्व से एक अंडा बनाया, उस अंडे को उस अमृत सरोवर में डाल दिया, बहुत बड़ा अंडा एग। और जब वो अमृत में उस सरोवर में जा रहा है गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, तो पार ब्रह्म की आंखें खुल जाती हैं, निंद्रा भंग हो जाती है। जब निंद्रा भंग होती है, इंसान एक कोपित नजर से देखता है, जो कच्ची नींद उठ जाते हैं,
कच्ची निद्रा भंग होती है तो कुछ क्रोध सी सा होता है। उस कोप से उसने दृष्टि से देखा किसने पारब्रह्म ने, तो उस अंडे को देखा तो वो फूट जाता है, अंडा दो भाग हो जाता है, उसमें से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ध्यान से सुनना, उस अंडे से इस निरंजन की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन की। ज्योति निरंजन कहो, इसे ब्रह्म कहो। तो जब ये अंडा फट गया, उसमें वो निकला, आकाशवाणी हुई सतपुरुष की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। परब्रह्म से कहा कि तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने यहां सृष्टि रचनी थी, यहां की कंस्ट्रक्शन करनी थी, और तू निंद्रा में था, इसलिए हमने तेरे को जगाने के लिए ये अंडा छोड़ा था। अब तेरी दृष्टि से ये फूट जाने से इसमें से ज्योति निरंजन निकला। अब उन तीनों को अचिंत, पारब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल भगवान कहो, और परब्रह्म, ये तीनों एक लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में आता है कि ये स्थान हमारे लिए बहुत कम है, बाकी 16 भाई हैं वो तो नारे नारे रह रहे हैं और हम एक लोक में रह रहे हैं। तो इसके मन में के खरपतवार हो गया कि मैं अपना न्यारा राज रचूं, और राज पाने के लिए तप करना होता है। 70 युग तक इस काल भगवान ने, ज्योत निरंजन ने, इस ब्रह्म ने 70 युग तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आसरा तकिया और तप किया। हम अपने पिता, अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को, पूर्ण ब्रह्म को, उसकी तरफ से हम उल्टे हट गए, और उस जो तपस्या कर रहा था उसमें हमारी आस्था बन गई, इंटरनल कनेक्शन हो गया उनसे, अंदर से कसक बन गई, अपने मालिक न भूल गए। आकाशवाणी हुई थी कि नादानो, इसकी नादानी को मत देखो, ये अच्छी क्रिया नहीं है जो ये कर रहा है। पर हमारे मन में जैसे बच्चा हो ना, वो जहां आसक्त हो गया, होएगा तो सारा परिवार उसको मना करो, वो मानता नहीं। ऐसे हम इंटरनल कनेक्शन उसमें कर बैठे, ऊपर से ऐसे बैठे रहे, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानी जान थी, हमारी हृदय की भावना जानते थे। उन्होंने क्या किया, जब 70 युग तप किया, उसने मांगा कि क्या चाहता है बोलो, तो निरंजन कहने लगा मुझे जीव दे दो भगवान, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। भाई जीव जब दूंगा, इनमें से कोई जाना चाहती है जीवात्मा ये यहाँ की, तो आप ले सकते हो, ऐसे जीव मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। इनसे पूछो अगर कोई तेरे साथ जाना चाहता है तो। हम तो सारे तैयार बैठे थे क्योंकि उसके ऊपर आसक्त हो गए थे, वो बहुत प्यारा लगा था हमें ये ज्योति निरंजन, क्यों इसने वो तेरे की 70 युग तप किया एक टांग पर खड़ा होके, और फिर 70 युग तप किया, ओहो ये तो बहुत कमाल कर दिया, और ये बीमारी आज हमारा लगी हुई है। हम किसी साधु को अगर तपस्या करते हुए देख लें और कहते हैं ये महात्मा 12 वर्ष से खड़ा है, बैठता को नहीं है, तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका हमने नहीं बेरा। पर हम नो जरूर जानते हैं भाई है बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहा है, और कुछ ना कुछ इसको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। नहीं, तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तप का प्रतिफल क्या होगा, इस जन्म में जो तपस्या कर रहे हैं अगले जन्म में छोटे मोटे पद पोस्ट गवर्नमेंट में हिस्सा हो जाएगा, कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग जाएगा, कोई 5 साल एमएलए या एमपी रह जाएगा, कोई मंत्री के पद न पाकर राजी हो जाएगा, और तीसरे जन्म में कुत्ते की जूनी में जाएंगे, गधे बनेंगे जो राम नाम को नहीं जपते। तप से कोई प्राप्ति अच्छी नहीं होती। तप से राज और राज मदमानम, जब राजा बन जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत अभिमान हो जाता है,
अभिमान वश इतने आलस कर बैठता है कि फिर अगले जन्म में पशु दुनिया में चला जाता है, गधा और कुत्ता बन जाता है। ये मुक्ति का मार्ग तप नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो एक महान काम नजर आया था कि वो त्रियुगी देखो तो ये कितने दिनों से खड़ा है। तो जी हम अपने मालिक न भूल गए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सुख दाता है, जो दयालु भगवान है। हम इस ज्योत निरंजन की इस ड्रामेबाजी पर आसक्त हो गए। तो ये आया हमारे पास, हम तो पहले प्रसन्न थे, इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। इसने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, इसे बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने जड़ूंगा और वहां पर बाग बगीचे बनाएंगे, मौज मारा करेंगे, बड़े खुश रहेंगे। हमने तो कह लगा जो जाना चाहता हाथ खड़ा कर लो, सतपुरुष ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जी सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ किया था उसका ऑटोमेटिक नंबर भगवान के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंच गया। और फिर हमने सभी ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ दिए ऊपर ने कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। असंख्य प्राणियों ने इस काल निरंजन के साथ आने की स्वीकृति दे दी। जिस आत्मा ने पहले हाथ उठाया था उसको सतपुरुष ने अपने पास बुलाया कि ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, पर एक काम करो कि हम तुम्हारे को जो इसको देना है ऐसे नहीं देंगे, उसकी लड़की बना दिया, बहुत खूबसूरत लड़की बनाया, उसका नाम क्या रखा, प्रकृति देवी, जिसको अष्टंगी कहते हैं, जगदम्बिका भी उसका नाम रखा गया, आठ भुजा जिसकी है, वो सुंदर लड़की बना दी। उसमें दो भुजा थी, बाद में ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए आठ भुजा दिखा सकती है, नहीं दो रूप में रहे, दो भुजाओं के रूप में रहती है। उस लड़की को, प्रकृति को बनाया लड़की, और सभी जीवात्मा सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया कि जितने जीव निरंजन चाहेगा एक बार आप जबान से बोल देना उतने जीव बन जाएंगे, शब्द से सृष्टि रची जाएगी। और जाओ निरंजन के पास, क्योंकि तुम निरंजन के अपनी सहमति से जा रहे हो, पर एक ध्यान करना, हम सभी आत्माओं को भगवान ने, सतपुरुष ने यह कहा था कि तुम ये सतनाम मत भूलना और ये सारनाम याद रखना। यदि तुम्हें वहां कोई आपत्ति हो है, इस सतनाम और सारनाम का एक बार सिमरन करना हृदय से कसक के साथ, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो हमने सोचा बहुत अच्छा हो गया कि सतनाम और सारनाम हम याद रख लेंगे, वो और नाम है, ये सतनाम और सारनाम ऐसे नहीं, वो नाम न्यारे हैं, ये तो उनका एक वैसे प्रतीक बताता हूं। तो जी वो लड़की जो है इस काल निरंजन के पास, इसका नाम बाद में काल पड़ा, पहले ज्योत निरंजन था, ज्योत निरंजन के पास, ब्रह्म के पास वो लड़की लाकर छोड़ दी और कहा कि निरंजन जितने जीव तू कहेगा ये लड़की एक बार मुंह से बोलेगी उतने जीव बन जाएंगे। ऐसा कहकर के उसको ये लड़की दे दी गई। अकेली लड़की को पाकर इस ज्योत निरंजन के मन में एक विशेष विकार उत्पन्न हो गया, वो कामातुर हो गया और अपने आवभाव को बदलकर बुरी नजर से उस लड़की को देखने लगा। उसकी गंदी गतिविधि को देखकर माई ने कहा, इस लड़की ने कहा कि निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, पर यह गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, एक भी नहीं सुनी, इतना काम वश हो गया कि उस लड़की को जबरदस्ती करना चाहा। वो लड़की भी तो उसी बाप की बेटी थी, सूक्ष्म शरीर बनाया और उसके पेट में समा गई। वहां से पुकार की कि पिताजी इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो।
अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिए ड्रामे शुरू, उसने अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। इस काल इसका आज के बाद इसका नाम काल होगा, 1,00,000 जीव रोज खाएगा, 1,25,00,000 पैदा करेगा। ये ऐसी गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ा। और हम अपने पिता ने छोड़कर, अपने मालिक ने छोड़कर इस नकली पति के अंदर आस्था कर ली, अपने पति को भूल के, उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को भूल कर हम इस नकली पति में आसक्त हो गए और इस नकली पति ने फिर हमारे गिला के बनाई, 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया और श्राप लग गया 1,00,000 जीव रोज खाने का और 1,25,00,000 उत्पन्न करने का। आज से तेरा नाम काल होगा। इस काल की 1,000 भुजा है। 21 ब्रह्मांड को लेकर ये बहुत दूर आ गया और साथ में लड़की उसके पेट से निकाल कर दे दी, क्योंकि वो वचनबद्ध होकर दी थी और साथ में उसकी मर्जी से वो आई थी। अब उस माई ने फिर विनय की, निरंजन मेरे पास सबल शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, यह गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, जबरदस्ती शादी की और 3 बच्चे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, दूसरे का विष्णु रखा और तीसरे का शंकर भगवान। इन तीनों को ड्यूटी दे दी। जब ये सयाने हो गए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया और माई से कहा, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं ऐसे लोक में रहूंगा, ना ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, ना कोई साधक वहां आ सकता, मैं उस ऐसे लोक में रहूंगा। और तू ऐसे करना, माई से कहा किसको, इस जगदम्बिका को, प्रकृति देवी को, कि जब ये बच्चे सयाने हो जाएं, इनको सागर मंथन पर भेज देना, जो जो वस्तु निकले इनको एक एक बांट देना। जब ये बच्चे सयाने हुए इनको सागर मंथन पर भेजा। सागर मंथन में पहले 4 वेद निकले, वेद ब्रह्मा ने लिए और उसने इनको पढ़ा, पढ़कर पाया कि इसमें भगवान और है, हमारा पिता कोई और है। तो माई ने कहा, माई से पूछा करते थे कि मां हमारा पिता कौन है, माई कहती थी बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारी मां हूं। क्यों कहती थी ऐसे, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था निरंजन ने, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अगर मां कह देती कि तुम्हारा पिता ऐसे ऐसे वहां रहता है और बच्चे कहते हम तो पिता के पास जाएंगे और बच्चे जिद ला लेते तो मां कहां ले जाती, ना वहां माई जा सकती, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। इसलिए मां ने झूठ बोल दिया कि बेटा तुम्हारा कोई पिता कौन है, तुम्हारा पिता नहीं है, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। जब वेद पढ़े ब्रह्मा ने, उसमें पाया कि सृष्टि का एक और मालिक है, 21 ब्रह्मांड का कोई और मालिक है जिसका नाम ब्रह्म है। उसकी साधना पाने की क्या है कि योग समाधि है, ध्यान लगाएंगे और पिता के दर्शन कर लेंगे। तो ब्रह्मा बोला, मां आप झूठ बोलती हो। कैसे मां? बेटा कि वेदों में लिखा है कि हमारा मालिक, हमारा पिता और है, उसका ज्योत में शरीर है, यानी प्रकाश में परमात्मा है, मैं उसको ढूंढूंगा, वेदों में विधि लिख रखी है, समाधि लगाऊंगा। माई कहने लगी, बेटा समाधि लिख रखी है पर पावक होना। शेरा वाली कहती है, ब्रह्मा के पुत्र ये तुझे मिलेगा नहीं। अग्नि मां से तू फिर झूठ बोलती है। ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लगाई और निरंजन के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए।
आखिर में आकाशवाणी हुई निरंजन की कि सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही। माई ने कहा कि तेरा जेठा बेटा वो तेरी खोज में गया हुआ है, मेरी नहीं मानता है, उसको कह दो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, वापस आ जाओ। माई ने एक लड़की बनाई सबल शक्ति से, उसका नाम गायत्री रखा कि जा बेटी गायत्री अपने भाई को जगाला। उसने जाकर ब्रह्मा को जगाया कि ब्रह्मा आप वापस चलो और मां बुला रही है और उसके जो है तेरे बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है। ब्रह्मा कहता गायत्री मैं चल तो पड़ूं पर मां के आगे झूठा हो जाऊंगा, मैंने कहा था या तो दर्शन करके आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा। तो भाई फिर एक काम करे तो मेरी झूठी गवाही दे देना। गायत्री से ये ब्रह्मा कहता है कि मेरी झूठी गवाही दे देना कि मैंने पिता के दर्शन हुए तो मैं चलूं, नहीं तो मैंने शर्म आवे मां के सामने नहीं जाऊंगा। गायत्री बोली एक काम करते हैं, मैं एक लड़की और तैयार कर देती हूं सबल शक्ति से। उसने अपनी सबल शक्ति से एक लड़की और तैयार की और कहा कि अब हम तीनों आप दोनों आपकी गवाह बन जाएंगे, अब चलो। यहां पर ऐसी प्रक्रिया लिखी है कि हम यहां बता भी नहीं सकते आपको, ऐसा उनका जो व्यवहार वहां पर था। तो क्या होता है, तीनों अपना सलाह मशवरा करके आ जाते हैं। माता पूछती है कि बेटा गर्मा अखामा पिता के दर्शन हुए, अकोगे माता जी, भाई को प्रमाण बताओ कि ये दोनों गवाह हैं, इनसे पूछो। उनसे पूछा क्यों भाई तुम्हें इसने दर्शन हुए पिता के, कहां जी हमारे सामने दर्शन देकर गए वो तो। अब माई ने सोचा बड़ी भाई कमाल की बात होगी, मुझे तो कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है और इधर से इनको दर्शन दे दिए। तो वो माई अक्षुब्ध होकर निरंजन से नाराज होकर अपने पति थे और एक तरफ बैठ जाती है, कहती संभाल तेरे डमडमे ने, मुझे कहता है दर्शन नहीं दूंगा, इनको तूने दर्शन दे दिए। आकाशवाणी आती है उस निरंजन की ब्रह्म की कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए इनता ही। आकाशवाणी जब हुई तो माई आई करड़ी हो गए और गुस्से में आकर कहती कि नादानो तुम झूठ बोलता है ब्रह्मा, मेरे को आकाशवाणी हुई तुम्हारे पिता की कि मैंने दर्शन नहीं दिए, ये झूठ बोलते। फिर वो सहम गए घबरा गए, अगर तो थारी पोल पाट गई, हंसने लग गए, कहने लगे मां मैंने तो नो सोची थी कि मां का आगे नो कानू जाऊंगा, मैंने शर्म लगेगी और मैं तो झूठ बोल दी थी, तीनों ने हमने मिलकर झूठ बोल दी थी। तो ब्रह्मा को श्राप दे दिया माता ने इस शेरा वाली ने प्रकृति देवी ने कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जो विद्वान होंगे ना तेरे अनुयायी जो ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे वो तेरे जैसे डोंगी और पाखंडी होंगे, दुनिया ने ठगा करेंगे, झूठ निरी बोला करेंगे, सच्चाई नहीं बताया करेंगे और गुमराह कर देंगे सभी को। ब्रह्मा बेहोश हो जाता है ये बात सुनकर, गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गऊ बनेगी और उसको उपवती थी तीसरी दूसरी लड़की, उसको श्राप दे दिया कि तू गंदी जड़ी बूटी होगी, गंदगी में रहा करेगी, तूने झूठ बोला, ऐसे ऐसे गलत काम भी किए। जब ये तीनों को श्राप दे चुकी तो आकाशवाणी हुई उस काल निरंजन की कि प्रकृति तेने श्राप नहीं देना चाहिए था, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पार्वती तो द्रौपदी बनेगी द्वापर युग में और तेरे पांच पति होंगे। अब माई कहती है कि निरंजन कितने नाच नचाले तेरे वश होगी, अपनी गलती से मर गई मैं तेरे ऊपर और फंस गई तेरे क्यूकर नाच नचाले। ठीक है, एक तरफ तो कहता है कि सृष्टि चलाओ, इन बच्चों को डराऊं धमकाऊं नहीं तो यहां कैसे सृष्टि चलेगी, ऊपर से मेरे को श्राप दे रहा है। ठीक है मैं तेरे वश हूं कुछ भी कर ले,
तो वही ये शेरा वाली पार्वती बनकर आई थी, ना पार्वती के अक्षमा करना, ये द्रौपदी का उसी का अवतार थी। अब क्या होता है, दूसरी बार फिर सागर मंथन करवाया, जब बच्चे सयाने हो गए, बड़े बड़े हो गए। दूसरी बार जब सागर मंथन हुआ तो तीन लड़कियां निकली सागर मंथन में। बड़ी का नाम सावित्री रखा ब्रह्मा से व्याधि, दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा विष्णु से व्याधि, और तीसरी का नाम उमा रखा जो शिव से शंकर जी आकर शादी कर दी। और यहां से ये काल निरंजन की सृष्टि शुरू होती है। अक्षरपुर से एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई पात्रो संसार। ध्यान से सुनना इस दोहे को, अक्षर पुरुष है पर ब्रह्म और निरंजन है ब्रह्म, और तीनों देवा फिर शाखा है ये पात्रो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है यानी पर ब्रह्म एक पेड़ है और ब्रह्म उसकी डार, डार माने मोटी डारी, एक तो तना जो नीचे निकले जमीन से ऊपर उसको तो समझो परब्रह्म, उसका मोटा डाला लगा हुआ मोटी मोटी तना है वो डार है, उसको समझो यो निरंजन। और उस मोटी डार का फिर तीन शाखा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन जो जड़ रूट है नीचे जो रूट रहेगी ना जड़ वो पूर्ण ब्रह्म है। अब यहां ध्यान से सुनना इस एक दोहे से, इस एक ही दोहे में सारी सृष्टि को महाराज ने बता दिया। परब्रह्म एक पेड़ है और ब्रह्म बाकी डार और ब्रह्मा विष्णु शाखा है ये पात्र रूप संसार, ये समझ लो इसको। और रूट कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म है जहां से सारी सृष्टि निकल कर आई है। अब यहां पर आपको मैं कबीर साहब की वाणी सुनाता हूं और इससे आपको ज्ञान होगा। ये जो कथा मैंने आपको बताई है इसको कथा मत समझना, ये सच्चाई से परिपूर्ण समझना। धर्मदास जी को कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। आप ये पांचवे दिन सत्संग अवश्य सुनना, इसमें आपको परमात्मा की परिभाषा आज तक आपने नहीं सुनी होगी, वो सुनाई जाएगी और तभी आप परमात्मा की तरफ एक विशेष रुचि बनाओगे कि भगवान है क्या, परमात्मा कहते किसे है। यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। राम क्या चीज है, उसे गॉड कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, ये भाषा भिन्न शब्द है, शक्ति एक ही है। राम शब्द एक शक्ति बोधक शब्द है, जैसे साहेब कहते हैं, जैसे ऐसा तो साहेब हैं, और भी जैसे मंत्री साहेब, मुख्यमंत्री साहेब, प्रधानमंत्री साहेब, साहेब शब्द एक शक्ति बोधक शब्द है और जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो साहेब है। ये राम शब्द समझो, तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी तीन लोक के साहेब हैं, ये तीन लोक के राम हैं, इससे ज्यादा शक्ति नहीं है। जैसे मंत्री जो है अपने विभाग में वो फलफलेज होता है लेकिन वो पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं वो भी शक्ति युक्त है, वो भी साहेब है पर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही साहेब है। इसी दी राम शब्द है, तीन लोक के राम है ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का राम है काल निरंजन, ये यहां का मालिक है 21 ब्रह्मांड का, और 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है परब्रह्म। वो परब्रह्म जो राम है वो 7 संख ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर जो राम है वो पूर्ण ब्रह्म है, उसको सत पुरुष राम कहते हैं।
उसको सत साहिब कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और आल कंट्रोलर और आल साहिब है, सबके ऊपर साहिब है, मंत्री अपने राज्य में साहिब है, मुख्यमंत्री अपने राज्य में साहिब है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं। इसी प्रकार ये तीन लोग के राम है ब्रह्मा विष्णु महेश, केवल थ्री लोग्स, ओनली थ्री लोग्स। उसमें कौन कौन सी है? ये मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, और लोक और भी बहुत है। उनका मालिक कौन है? वो परब्रह्म यानी ये ब्रह्म है, और इन सब के ऊपर 21 ब्रह्मांड और सब सात संग ब्रह्मांड के ऊपर जो परमात्मा है वो राम है, वो कबीर वह पूर्ण परमात्मा है, और उस पूर्ण परमात्मा के अवतार कबीर भगवान आए हैं। जैसे विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण आए हैं, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के अवतार कबीर साहब और गरीब दास जी आए हैं। यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही है एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसावो। धर्मदास ये कथा सबको सुनाना, इसमें मत समझना कि कबीर साहब ने मन ग्रंथ बना रखी होगी या देवी भागवत सुनाऊंगा आपने, एक तीसरा सकंद ओनली, और साथ में आपको ये गीता जी सुनाऊंगा या गीता जी भी बताओगी आपको कि यह सृष्टि ऐसी ही रची थी, ये ब्रह्मा ये निरंजन कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और फिर इस गीता जी में लिखा कि उस भगवान का जहांधर अर्जुन कृष्ण जी कहते हैं, उस भगवान का जहांधर भाई जिससे फिर तेरा जन्म मरण कोई न हो, वो भगवान कौन है वो गीता जी में बताऊंगा। वो सतपुरुष पूर्ण परमात्मा की तरफ ये काल निरंजन इशारा करता है। गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोला था, ये बातें जो मैं कह रहा हूं एक बार आपके हृदय में स्ट्राइक करेंगी कि अच्छा सर परमात्मा है, यू पहली बार सुना कृष्ण जी ने गीता ना बोली। कृष्ण जी ने गीता नहीं कहा, कृष्ण जी के शरीर में ये गुप्त शक्ति काल निरंजन प्रवेश किया, 1000 भुजा का भगवान, 21 ब्रह्मांड का मालिक, और भगवान कृष्ण के इस शरीर में प्रवेश करके बॉडी में उसने अपनी ब्रह्म का श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी के रूप में हमें दे दिया। गीता जी एक नंबर शास्त्र है इस ब्रह्मांड का, इससे उत्तम शास्त्र नहीं है भक्ति के मार्ग का। बाकी ज्ञान जानकारी पुराणों में भी ठीक है, वो केवल नॉलेज है, वो ज्ञान है। इसमें वो ज्ञान है जो भक्ति की तरफ प्रेरणा करता है, किस भक्ति की? ब्रह्म तक की। इसमें ओम मंत्र है, ओम मंत्र ब्रह्म की उपासना है। हमने परब्रह्म भी छोड़ना है और वापस पूर्ण ब्रह्म के पास जाना जहां पहले रहती थी। ब्रह्म की साधना से आपको स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया, स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया ये आपकी नहीं मिट सकती, लेकिन पूर्ण ब्रह्म की साधना से आपका जन्म मरण नहीं होगा, इस स्वर्ग से भी उत्तम स्थान आपको मिलेगा। यही कारण यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसावो, यही बातें ये कथा सबको बताना और सबका भ्रम मिटाना। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं धर्मदास तुझे बताता हूं, ध्यान से सुनना, क्या इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे ये पैदा हुए। कुछ संक्षेप कहूं गौराई सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना आज राम का मर्म न जाना। ये भोली भाली आत्मा वेदों और पुराणों में उलझ गई, उस आदि राम का उस परमात्मा का किसी ने भेद नहीं जाना, सतपुरुष का भेद किसी ने बेरा नहीं पाटा, ज्ञान नहीं हुआ। राम राम सब ज्ञानी सुने सो हृदय लाई, मूर्ख सुने तो गुम नहीं आई। जो विचारवान पुरुष होंगे, जो बहन भाई जब हमारा सत्संग सुनो एकदम निरपेक्ष हो जाना, इष्टवादी मत बनना,
ईश्वरवादी बनकर सुनोगे तो ये बात आपको खटकती रहेगी और ज्यादा खटक जाएंगी। आप एकदम बिल्कुल साफ कोरे कागज बन जाना थोड़ी देर के लिए और फिर ये ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो विचारवान बहन भाई होंगे इनको पुनर्विचार करेंगे और गहराई से सोचेंगे। ये शास्त्र हमारे पास रखे, इनको फिर पढ़ोगे। ये शास्त्र किसी जाति मजहब के नहीं है, नहीं, ये उसमें लिखे गए थे जब कोई जाति थी, ये मजहब नहीं थे। जातियां वर्ण आधार पर थी, कर्म आधार पर थी। अब तो हमने परंपरा बना दी, जो चाम का काम नहीं करते उनको भी चमार कह रहे हैं। अब चरमकार कौन होते हैं, जो चाम का काम करे वो किसी जाति के भी। तो उस जब ये लिखे गए थे, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, और ना ही कोई सिख या ईसाई था। ये मानव मात्र के यानी बहुत पुरातन शास्त्र हैं आत्म कल्याण के लिए। जब हम इन शास्त्रों को देखते हैं, कहते थे हिंदुओं के हैं, हिंदू भी ना थे उस समय। महाभारत में आपने सुना हिंदू कहीं? महाभारत में हिंदू नाम भी नहीं था, ना मुसलमान था, ना कोई और था। उस समय के ये शास्त्र लिखे हुए, ये निरपेक्ष शास्त्र है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही शास्त्र है। इनका लेखक एक है, वेद व्यास जी। चारों वेद और गीता जी, 18 पुराण, ये सभी, और सुख सागर, महाभारत, इन सब का राइटर एक है। कोई ने सोचा दूसरे राइटर ने गलत लिख दी होगी, इनका राइटर भी एक ही है जिसने पुनर्स्थापित की। गीता जी को भी उसने, वेद व्यास ने लिखा है। तो अब ये सोचना पड़ेगा आपने दोबारा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम नहीं पाई। जो नादान आत्मा होंगी उठ कर चली जाएंगी, ऐसा महात्मा है कहता है। कृष्ण जी से भी ऊपर कोई शक्ति है? कृष्ण जी तो बहुत निम्न सत्र के भगवान है, सबसे छोटी इकाई के ईश्वर है। आप ध्यान से सुनना और गीता जी आपको प्रमाण देगी इस बात का। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण बंसन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। उस पूर्ण परमात्मा ने पहले निरंजन की उत्पत्ति की, ब्रह्म की, और पाक्षित या माया बनाई, यानी शेरा वाली ये प्रकृति बनाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इस माई का सुंदर रूप देख के इस काल निरंजन के मन में नीचता आ गई, इसका तन मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करे पुकारी, हे साहब मुझे ले वो उभारी। धर्मराय की ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्र अष्टंगी, अष्टांगी ये शेरा वाली ने पैदा किए। तीन पुत्र अष्टंगी जाए। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।